वेलकम टू माय चैनल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। माय नेम इज़ माइद जमा और आज हम इस वीडियो में ड्रिलिंग रिग के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ड्रिलिंग रिग डिफरेंट इक्विपमेंट और मशीन को जोड़ के बनती है जो कि डिजाइंड होती है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और हम इस वीडियो में ऑयल और गैस ड्रिलिंग रिग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो मशीन और इक्विपमेंट को कंबाइन किया जाएगा जो कि डिजाइन होगा ऑयल और गैस वेल को ड्रिल करने के लिए। आप अगर हॉलीवुड मूवी देखते हो तो एक फेमस मूवी है जिसका नाम है मैड मैक्स। उसमें एक वर्ड रेगुलर यूज हुआ है, द वॉर रिग। उसमें जो रिग यूज की गई है वो स्पेशली डिजाइन थी वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए उसका नाम था वॉर रिग। इस स्लाइड में आप डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ड्रिलिंग रिग देख सकते हो। आपको अगर रिग के डिफरेंट कंपोनेंट पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग रिग। ये बेसिकली दो तरह से डिवाइड की गई है, लैंड रिग और मरीन रिग। लैंड रिग को ऑनशोर रिग भी कहते हैं और मरीन रिग को ऑफशोर रिग भी कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड की गई हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इन दोनों के डिटेल में जाने से पहले आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिग बेस्ड ऑन पावर ट्रांसमिशन। ये बेसिकली तीन तरह की होती है, मैकेनिकल रिग, इलेक्ट्रिकल रिग और हाइड्रोलिक रिग। इसमें रिग के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको पावर प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली बाय द इंजन इन द फॉर्म ऑफ रोटरी मोशन। इलेक्ट्रिकल रिग में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एसी करंट जनरेट किया जाता है इंजन का यूज करके, बाद में डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिग को करंट पहुंचा दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। हाइड्रोलिक रिग में हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज किया जाता है टू ड्राइव द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिग। रिग टाइप्स बेस्ड ऑन रिग कैपेसिटी। ये बेसिकली चार तरह की होती है, लाइट रिग, मीडियम रिग, हेवी रिग एंड अल्ट्रा हेवी रिग। लाइट रिग 650 हॉर्स पावर की होती है, मीडियम रिग 1300 हॉर्स पावर की होती है, हेवी रिग 2000 हॉर्स पावर की होती है और अल्ट्रा हेवी रिग 3000 हॉर्स पावर और उससे ज़्यादा की हो सकती है। इस स्लाइड में आप डिफरेंट हॉर्स पावर की ड्रिलिंग रिग देख सकते हो। हेवी लैंड रिग और अल्ट्रा हेवी लैंड रिग मोर देन 2000 मीटर्स ड्रिल कर सकती हैं। लाइट लैंड रिग और मीडियम लैंड रिग वर्क ओवर करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर कम डेप्थ के वेल को ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइए आगे देखते हैं ऑफशोर रिग। ऑफशोर रिग को पहले स्लाइड में हमने दो तरह से डिवाइड किया था, बॉटम सपोर्टेड रिग और फ्लोटिंग रिग। बॉटम सपोर्ट रिग उनको कहते हैं जिनको सीबेट से सपोर्ट चाहिए होता है, जैसा कि जैकअप रिग आप देख सकते हो। इसमें थ्री लेग्स हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है फ्रॉम द सीबेड। आप इस स्लाइड में ऑफशोर प्लेटफॉर्म देख सकते हो जो कि अपने प्लेस पे फिक्स रहता है फॉर लाइफ टाइम, पर जैकअप और समरसेबल ड्रिलिंग रिग वेल कंप्लीट करने के बाद अपनी जगह से न्यू प्लेस को चला जाता है, टगबोट से या शिप से। आइए आगे देखते हैं ऑफशोर फ्लोटिंग रिग्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये रिग फ्लोट करती है जस्ट लाइक शिप। इस तरह के रिग को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होता है बॉटम से। ये दो तरह की होती है, ड्रिल शिप और सेमी समर्सिबल रिग। समर्सिबल और सेमी समर्सिबल में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि समर्सिबल बॉटम सपोर्टेड होती है और सेमी समर्सिबल फ्लोटिंग रिग होती है।